ईवीएम का खेला क्या वाकई यूपी में हुआ है? देखिए क्या कहता है अधिकारी का वायरल ऑडियो। वायरल बातचीत पर अखिलेश यादव ने लिया संज्ञान। बातचीत में हुआ चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर सपा नेताओं की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। जो लोग ईवीएम के राग को गलत बता रहे हैं, सपा नेताओं ने उनके सामने सबूत भी रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी ने ईवीएम के खेल का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको ऑडियो पूरा का पूरा सुनवाएंगे, लेकिन पहले वायरल ऑडियो के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा वो बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। अखिलेश यादव ने तो अपना पक्ष साफ कर दिया, लेकिन अब वो बातचीत सुनिए जिसने कई सवाल फिर से पैदा कर दिए हैं और सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जहां की ईवीएम न बदली गई है, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं तो प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। अच्छा, जब आपका ईवीएम सब बदल दिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने अच्छा तब क्या बोले उनसे? पहले यसो बोला। हाँ, पहले यसो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लें भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है ना, नोच पास बाल बच्चा है, क्या कर लें, नौकरी बचाओ बदे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दे पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना आई भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दे माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता तो वहां से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में हो जाता है ना पूरा। हम इन लोगों के अंडर में आता है तो वहां से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी वो बात स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब न। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल दिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यही जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लेकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। हाँ, भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, प्रहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लिख मत कर लिया। अरे अपने पर्सनल बता रहे हैं। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले। सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी वो तो जान रहे हैं। हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ, लेकिन सपा नहीं थी वहाँ। ठीक है, वहाँ राजेश मिश्रा थे, उनको हराने के लिए वहाँ
ईवीएम बल्ला गया। हाँ। और इधर आप आ जाइए, क्या नाम है जहाँ से नीलकंठ जी लड़ रहे थे, कचड़ी, वहाँ से कोई एक महाराज जी है, पंडित जी किशन दीक्षित, वो लड़ रहे थे, वो भी जीत रहे थे, उनका भी ईवीएम बदल गया है। रविंदर जायसवाल चुनाव हारेंगे क्योंकि उनका नहीं बल्ला गया है, उनका नहीं बल्ला गया है। अगर नहीं, अगर जीत के आ जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। इसका सेवापुरी का, सेवापुरी का नहीं पता है भैया, लेकिन रोहनिया का पता है। रोहनिया में भी कांग्रेस के एक राजेश्वर सिंह पटेल है, कोई लड़ रहा है, वो भी जीत रहे थे, उनको भी हराने के लिए उनका भी ईवीएम बदल गया है। राजेश्वर पटेल है, और एक पिंडरा में अजय राय, अजय राय है, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी जीत रहे हैं, उनका भी बदला गया है। तो सीआरपीएफ वाले सब काम तो नहीं करते हैं कभी। भैया हमारी बात समझिए, नौकरी किसको प्यारी नहीं है, हमारी बात समझिए, जितने पास भैया दूसरे बाल बच्चा आए हैं उसे अपन सही बात करिए, समझाते ना, हम हनो गलत ना आई भैया, मन के वैसन दृष्टि से मत देखा, हम हनो विरोध कैले रही, कर्मचारी तो सहयोग कर रहे थे, विरोध हम लोग किए थे, लेकिन अब क्या करें, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है ना, हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं भैया, हम लोग अध्यापक हैं। यही है घर आपका? तरना में। तरना में है? कहाँ, यमुनानगर में, किस जमाव में? नहीं, यमुनानगर के बगलिया में तरना एक पंडितान है, हम पंडित थे। कहाँ पढ़ाते हैं हम भैया? यहाँ चंदौली है कोचिंग हमारी। चंदौली में सगड़िया की तरफ? किधर? चंदौली, चंदौली, चंदौली आप जाएंगे तो धरौली वाले रोडवा से जब आप जाएंगे तो उसी पे बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय है, उसी में पढ़ाते हैं जी, हम विभागाध्यक्ष हैं बीटीसी डिपार्टमेंट के। अच्छा जी, चलिए आप जब कह रहे हैं तो सही है, आप सही बोल ही रहे हैं। नहीं, बीजेपी आएगी या अब उसको नहीं ना, तो इधर कहाँ जाएंगे फिर कैसे आप? जितना अब आए हैं हम हन वो असल में चक्कर का हो ना कि हम लोग विद्यापीठ से अपॉइंटमेंट हम हन के मिलल हो तो कुलपति के हम हन के अथवा देवे के वाला के हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं, यहाँ एक सिग्नेचर करना पड़ता है कुलपति आवाज पर, तो वहाँ से सिग्नेचर करके बस यही हम लोग 400 लोग हैं। तो अब मैं खाली हुआ हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर। सेवापुरी का मतलब पता नहीं है आपको ना? सेवापुरी का पता नहीं है, सेवापुरी सुरेंद्र पटेल लड़ रहे थे मंत्री जी। नहीं, सुरेंद्र पटेल के लिए भी हम सुने हैं, बता रहा था एक कि वहाँ भी बदला गया है, वहाँ भी और मुश्किलें है, ठीक नाम लिए हैं तो याद आ गया, उनका भी मुश्किल है, जहाँ जहाँ बदल गया है देखिए एकदम साफ है ना, सपा नहीं है, सपा नहीं आनी है, लेकिन ये है ये एक चुनाव बाद एक के चुनाव ऐसा ही हो जाए दूसरा का पाकिस्तान भारत बनने वाला है, ये बड़े कि आप जैसे नौजवान हथियार उठा रही हैं, हमें ये विश्वास हो, सही बात कर रहे हैं, हम मराई अमन केहू आऊ ना, नेता न मरही है, हम न मरा ली, और एकरे बाद हम इलेक्शन ड्यूटीओ न करो। ये हमारा अंतिम है, इलेक्शन ड्यूटी न करब 800 रुपया बटे जान थोड़ा देव जाए, सही बात है। तो सपा सर्वा सरकार न बने तो बड़ा दिक्कत हो जाए फिर तो। शिवपुर का स्थिति हो, हर ओम प्रकाश के लड़का का, अरविंद राजभर का,
फट जानी है तू फिर कर दे ना। हम 50,000 वोट से जीतब, हम 60,000 वोट से जीतब, जेके विश्वास हुई वो है प्रत्याशी जीती नहीं, बाकी सब हारत था। नहीं हाँ सब हारत था, लिख ल न कल रिजल्ट आई ना, हम आज बताओ गमझा बांध के हम आज बतावत है, हम आज बतावत है कि जे भी होई 50,000 से जे लीड करत हुई वो है सपा का प्रत्याशी जीती नहीं, सब हारी, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को, सब हारी। तो कितना सीट आ सका सपा का? हल्का तल न लड़ी, ये बजे कि ये पूर्ण बहुमत का बयार रहल है, जन हमन वोट डलवैली है उमन हमन ये देखते है कि पूर्ण बहुमत के तरफ सपा बढ़त रहला, अगर कायदे से वोट का गिनती हो जाता है, लेकिन सपा ना आवत है। क्लियर हो गया? क्लियर है भैया, लिख ला, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर से यादव मुख्यमंत्री ना बना जाता ना। हमसे लिखवाला हम हमसे लिखवाला हम कल फिर आई, और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाइए तो हम अपन भैया एक महीना का सैलरी जो है 70,000 रुपया वो हम दे दे। नहीं ऐसा बात नहीं है, सही कहते हैं, कॉन्फिडेंस हो सही हो, वो हम दे दे। चुनाव करेल ना ना इनके अनुभव वो न आई ना, वो न आई, चोरी काट दिले सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल, हम तो अपन जानत थी जहाँ सपा के हम जो बूथ पर है वहाँ सपा के प्रचंड बहुमत के साथ वोट पड़ल, दो चार 10-20 वोट पड़त रहल भाजपा के, और वहाँ एक नंबर पर भाजपा आ गई। ओम प्रकाश के लिए कसमाबाद पीठासीन अधिकारी हम जल्ला सही का क्या मतलब है उकर? सही बात। ना वाला है लेकिन देखा रही हमारी के फोन करें, नहीं देख लो यार, देख लो आपके साथ देख लो, काहे वीडियो बनी है तो आप मनु आप के तरह नौकरी वाला है महाराज। सही कहते सारे एकदम एकदम लोग हम बंद कर देते। मीडिया हलचल ऑडियो में किए जा रहे किसी भी दावे को सच नहीं बताता है और ना ही ऑडियो की प्रामाणिकता पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।